बीते माह 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को बलवा में सड़क दुर्घटना को अंजाम देकर फरार कातिल जनक नंदिनी बस को पुलिस ने बरामद कर ही लिया। मधवापुर पुलिस ने बस को मधवापुर बस पराब से बरामद कर जब्त कर थाने ले आई। विदित हो कि 20 अक्टूबर की शाम बलवा NH-227 पर एक बाइक सवार को सामने से टक्कर मारी थी, जिसमें बलवा गांव के ही 25 वर्षीय विष्णु पासवान एवं 21 वर्षीय प्रहलाद मंडल की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया था। एक ही दिन दो परिवार का घर उजड़ गया, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई थी। उस दौरान घटना को अंजाम देकर बस चालक बस को लेकर फरार हो गया था, जहां पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम में भेजकर मृतक के परिजन हरदेव पासवान के बयान पर केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। तब से पुलिस जनक नंदिनी बस की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे मधवापुर बस पराब से बरामद कर जब्त कर लिया गया। जनक नंदिनी बस, जिसका BR06PB6545 बताया गया है, इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने कहा कि बस को जब्त कर लिया गया है, फरार चालक की तलाशी की जा रही है, जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरी जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी जाएगी। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।